पीयूष, एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने इस वक्त की, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि मैनपुरी से बड़ी खबर, जहां भोले बाबा के आश्रम से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीओ करहल के हाथ लगे हैं बाबा के अहम दस्तावेज। मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी, भोले बाबा के आश्रम से मिले हैं कई अहम दस्तावेज। सीओ करहल के हाथ लगे हैं ये कई अहम दस्तावेज, जिनकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भोले बाबा को हिरासत में ले सकती है मैनपुरी पुलिस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाबा पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें, इससे पहले भी बाबा पर इस तरह के कई केस दर्ज हो चुके हैं, कई बार वो इस तरह के विवादों में भी रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से हाथरस में जो ये बड़ा हादसा हुआ है उनके सत्संग के दौरान, उसके बाद से ही बाबा फरार बताए जा रहे हैं। उनके सेवादार भी वहां पर लोगों को मरता छोड़ भाग गए थे। और अब मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां मैनपुरी पुलिस भोले बाबा के आश्रम से उन्हें कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीओ करहल के हाथ उन्हें ये अहम दस्तावेज मिले हैं और मैनपुरी पुलिस अब उन्हें कभी भी हिरासत में ले सकती है। दस्तावेज की प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है, भोले बाबा को हिरासत में ले सकती है मैनपुरी पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाबा पर अंधविश्वास पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था। इससे पहले भी ये भोले बाबा पहले भी कई तरह के विवादों में ये घिर चुके हैं, और जिसके बाद कल की ये जो घटना है उसके बाद से ही लगातार बाबा को लेकर लोगों में भी आक्रोश बना हुआ है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, आपसे कुछ ही देर में देखिए हाथरस भी पहुंचने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो वहां पर जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है कि बाबा से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज हैं जो हाथ लगे हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है, और जल्द ही बाबा अब पुलिस के शिकंजे में भी होने वाले हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बाबा का पास्ट देखें तो इनपे ऑलरेडी कई मुकदमे दर्ज हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मैनपुरी से भी जो अपडेट आ रहा है कि भोले बाबा के आश्रम से पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और साथ ही साथ सीओ करहल के हाथ लगे हैं उनके कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं। और दस्तावेजों की जो प्रशासन है वो जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं दस्तावेज, जिसकी फोटो हम लगातार सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। भोले बाबा को मैनपुरी पुलिस हिरासत में भी ले जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोले बाबा पर जो अंधविश्वास पाखंड फैलाने का ऑलरेडी केस दर्ज हो चुका है। अगर बात की जाए साल 2000 की, तो 2000 में आगरा के जो थाना में शाहगंज थाना है वहां पर इन पर केस दर्ज हुआ था, और पाखंड फैलाने का जो मुकदमा हुआ था जिसमें वो जेल भी जा चुके हैं, और उसके बाद फिर से कुछ दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे हैं जिसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। और कोई दो राय नहीं है, अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो इनको हिरासत में भी फिलहाल पुलिस ले सकती है, और दस्तावेज फिलहाल अभी जांचते जा रहे हैं, पड़ताले जा रहे हैं, और इनको हिरासत में पुलिस ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इनका आश्रम है, आश्रम की भी लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाए हैं, आज शाम इन्होंने अपना आश्रम बना रखा है। कल ये भी कंफर्म नहीं था कि 80,000 का जो स्थल है वहां पर लोग अलाउड थे, और इनकी जो सभा है उसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो ये भी बिल्कुल निकिता, क्योंकि सवाल यहाँ काफी खड़े होते हैं कि जब 80,000 लोगों की क्षमता थी वहां पर, तो 1,25,000 लोग वहां कैसे पहुंचे। और जिस तरह से अंधविश्वास का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो देखिए निकिता, कल की जो ये घटना है ये कहीं ना कहीं उसी अंधविश्वास का नतीजा है। क्योंकि बाबा ने खुद कहा था कि उनके पैरों की धूल लेते जाना, और उनके पैरों की धूल लेने के लिए जिस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची और जो भगदड़ मची है, उसके बाद 100 से ऊपर जो लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जो जहां गिरा वो वही गिरा रह गया, वो उठ नहीं सका। बिल्कुल है, जिस तरीके से आपने भी बात की है, और लगातार हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि बाबा ने जब सत्संग खत्म हो गया तो साफ निर्देश दिए थे कि पैरों की धूल लेते जाना, और उसी को लेने के लिए लाखों की मात्रा में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो उनकी तरफ बढ़े। सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है, जब धूल लेने के लिए श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं तो आखिर इनके जो सेवादार थे वो कहाँ गायब हो गए थे। सेवादार का काम है कि लास्ट तक बने रहना, जो प्रॉपर तरीके से चीजें होती है उसे करवा करके सभी श्रद्धालुओं को पंडाल के बाहर निकालना। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ,
बाबा फरार हो चुके थे, जो ऑलरेडी सेवादार है उनकी तरफ से कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं था, कोई वहां पर सेवा भाव नहीं दिखाया गया, कोई एक प्रॉपर तरीके से डेकोरम को चलते लोगों को उन्होंने इनफैक्ट निर्देश भी नहीं दिए कि कहाँ से जाना है, और जो एग्जिट सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा छोटा था। तो जाहिर है लेकिन की तस्वीरें सामने आ रही है वहाँ छोटी छोटी चप्पलें, बच्चों की बॉटल्स, लग रहा है कि वहाँ पर बहुत छोटे बच्चे आए थे जो किस हालत में कुछ ले गए होंगे। आखिर अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और जिस तरह से अब इस पूरे हादसे के जिम्मेदार